क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। हम हिंदी में पढ़ेंगे कि मौले अपना इंग्लिश लिख लें और समझ लें, फिर हम इसका सलूशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः भुजाओं पीक्यू और क्यूआर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, तो दर्शाइए मीन्स प्रूव कीजिए ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल। समझिए जो ट्राइंगल है ये दोनों बने हैं ना अलग अलग, इनकी बनावट एक जैसे है, सब कुछ एक जैसे है, केवल नाम अलग अलग है। कह रहा है कि जो त्रिभुज एबीसी है ये इसकी जो भुजाएं हैं कौन कौन सी, ए बी बी सी के ए बी के बी सी और माध्यिका जो ए डी है वो एक दूसरे त्रिभुज मतलब इसके की भुजाओं पी क्यू पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका ये पीएम के क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, ऐसा कह रहा है, ये दिया है ना। तो लिखो चलो भाई भुजा आप हल यहाँ पे लिखो ए अपान, अब ध्यान दो ए बी के संगत इसमें क्या है पी क्यू है ना, क्या जाएगा पी क्यू, बोल समझना। अगला कौन सी भुजा बोल रहा है बी सी, बी सी मतलब नीचे वाली ये पूरी लंबी वाली, तो इसमें देखो क्यू आ रहा है माध्यिका एडी, ये क्या बराबर है कोष्टक में आप लिख लो दिया है, इसी में लिख लो गिवन। अभी मैं क्वेश्चन हटा दूंगा फिर दिखने लगेगा उधर साइड में, टेंशन मत। ठीक है ये क्या दिया है, आगे क्या करेंगे एक चीज देखो अगर ध्यान, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि जो ए बी सी है पूरा का पूरा ट्रायंगल वो सिमिलर है पूरे के पूरे ट्रायंगल पी क्यू आर के, यानी ये बीच की माध्यिका हटा दें तो ये पूरा त्रिभुज ये दोनों क्या है सिमिलर है। तो इनको सिमिलर दिखाने के लिए हमें इसमें फॉलो करने पड़ेंगे हमारे साथ साथ कर सकते। देखो भैया भुजा जो बी सी है बाबू इसको हम बी डी प्लस ये सी डी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, या फिर ऐसा कर सकते हैं वन अपॉन टू भी कर सकते हैं क्यों, देखो मैं बताता हूँ समझो। इसमें हम एक काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा एक बटा दो से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ पे समझना कैसे क्या बनेगा, ए बी अपान पी इक्वल इसे हम कर देंगे वन अपान टू अपान वन अपान टू पर, इसको करने से क्या फायदा मिलेगा अभी समझना, इक्वल ये ए डी अपान पी तो ऐसे रहे। अब देखिए एक बटा दो बी सी भाई एक बटा दो बी सी के बराबर क्या है, आप अगर ध्यान दो तो हम बी डी लिख सकते हैं भाई, इस बी सी का आधा बी डी है ना, तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगली लाइन में लिखो आप लोग लिखो भैया ए अपान इक्वल बी डी अपान के आधा ये क्यू एम लिख सकते हैं, हाँ क्यू एम लिख सकते हैं, सीधी सी बात है भाई क्यू आर का आधा क्यू एम है, यहाँ पे लिख देंगे क्यू एम इक्वल ये ए डी अपान क्या है पी एम, तो ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ से समझना क्या है, क्या समझना, देखो समझो जो त्रिभुज आपका है कौन कौन सा, समझो यहाँ से हमें क्या क्या दिखाना पहले उसे समझो तब पूरी बात समझाएंगे। देखिए अब इसमें अगर आप एक चीज देखो ध्यान से तो आपको मिल रहा होगा कि जो दो ये ट्रायंगल हैं ए बी डी और पी क्यू एम ये दोनों सिमिलर सिद्ध हो गए, क्यों सिद्ध हो गए आप अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर इनकी भुजाएं जो है आपस में यहाँ पर एक बार बराबर दिखा दिया गया इनके माध्यम से, और एक बार इसमें अगर आप देखो ये भी बराबर हो गया ए बी ए बी टू और ये बी डी जो है वो क्यू एम के और पी एम ए डी के, आप देख रहे हो ना, तो आप नीचे लिख सकते हो क्या लिख सकते हो भाई, अगर ये आपस में इस तरह से बराबर हो रही तो हम नीचे लिख सकते हैं ये दिख रहा है ना, ये लिखिए इसलिए इसलिए ए बी सी ऐसे लिखिए त्रिभुज ए बी सॉरी सी नहीं ए बी डी भाई ए बी डी ये ट्राइंगल इसके क्या है सिमिलर है, ये प्रूफ हो गया, लिखो ये सिद्ध हो गया सिमिलर टू ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा पी क्यू एम, ये पी क्यू एम ब्रैकेट में लिखिए बाई एस 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 साइड साइड साइड, ठीक है ये हो गया। लेकिन हमें ये नहीं सिद्ध करना था, हमें तो पूरा का पूरा ट्राइंगल ये पूरा का पूरा इसके सिमिलर प्रूफ करना था,
अभी तो हमने इसका केवल थोड़ा सा ये आधा आधा प्रूफ करा है ना, जो बचा आधा है उसको भी कर लेते हैं। चलो इसको लिख लो जल्दी से, मैं सामने से हट जाता हूँ, आप लिख लीजिए, हटा देता हूँ। चलिए बहुत जल्दी करिए, फास्ट हो गया। अब हम आगे करेंगे, इसको ध्यान देना, अब आगे भी हल करना है, बिल्कुल जाना नहीं कहीं। चलिए अगर दिख रहा है तो मैं इसे आगे हल कर देता हूँ, आधा। ओके अब लिखिए, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है। कौन कौन सा? बी जो है ये, एंगल बी एंगल क्यू के क्या बेटा? बराबर है। क्या है क्यू के? बराबर है। लिखो एंगल बी एंगल क्यू, ब्रैकेट में लिखिए, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। लिखिए सभी, समरूप त्रिभुज संगत भुजा। समझ में आ रहा ना मैं जो बोल रहा हूँ? समरूप त्रिभुज की संगत भुजा लिख लोगे ना? ऊपर थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, मैं दिखा देता हूँ, डोंट वरी। मैंने क्लियर लिख दिया है, इसमें थोड़ा सा आप लोग समझिए भाई, ये कोण है भुजा नहीं, ठीक है? सॉरी, ये दोनों क्या है? आपस में एंगल है, ये संगत कोण है समरूप त्रिभुज के, भुजा नहीं है, ठीक है? क्लियर दिख रहा है ना? पूरा बड़ा हो गया ना। चलिए अब आगे क्या करना है, आप समझिए आगे क्या करना है। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, अगर आप पे जगह है तो ऐसे बना, इक्वेशन नंबर एक हो गया, ठीक है? अब लिखिए त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में, ये पूरा पूरा त्रिभुज। नीचे लिखिए ए बी त्रिभुज पी क्यू। देखिए इसमें हम एक काम कर सकते हैं, पूरे पूरे अगर हम त्रिभुज में ले रहे हैं तो हम एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर कर सकते हैं, जो कि पहले से भी हमने किया है। एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, रेकर्ड में लिख दीजिए समीकरण एक से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम इसको ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उतना ही दिया है, इसलिए मैंने क्या किया उसी के साथ इसको लिख दिया। अब एक चीज़ ध्यान देना, जो एंगल बी है यहाँ पे है ना, यहाँ से एक भुजा जा रही है बी, और एक भुजा जा रही है बी डी, जा रही कि नहीं भाई? बी दोनों तरफ को जा रही ना, इसको टच करते जा रही, मतलब क्या है, जा रही कि नहीं जा रही पहले ये बता मुझे। बी से क्या है? ए बी। हाँ तो एक काम यहाँ पे आप एक काम ये कर सकते हो कि ए बी अपान पी क्यू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये संगत भुजाएं हैं। लिखो पी अपान ए बी। उसी तरह से अगर एंगल क्यू में देखो आप, तो इसमें क्या है? पी क्यू है कि नहीं? और इसमें क्या है? एक बी सी भी है। हाँ क्या है? बी सी भी है। बी सी कहाँ है? अब मुझे ये बताओ पहले। देखो यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा समझना है, समझना। देखिए कुछ लोग जो कंफ्यूजन में होंगे, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ चल के, समझिए। एंगल बी की जगह पे हम ए बी अपान पी क्यू क्यों लिख सकते, कैसे लिख सकते? आपको पता है, आप यहाँ से देखो एंगल बी ये है ना, एंगल बी की एक भुजा है ए बी, पता है ना, कोण बी पर एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी है, इसी तरह से पी पर एक भुजा पी क्यू है, पी क्यू आर है। अगर हम ए बी लें तो आपने स्टार्टिंग में देखा था, ये देखा था कि नहीं बताओ? ये क्या है आपस में? प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है ना आपस में। तो अगर हम इन्हीं एंगल और इन्हीं भुजा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं सेम टू सेम, क्या बी सी अपन क्या पी क्यू आर, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हो ना? इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। आप समझ में आ गया सबको? इसको छाप लो जल्दी से, ठीक है? रेकर्ड में लिख लो, कोण बी तथा कोण की सी की संगत भुजाएं, लिख लीजिए कोण बी तथा कोण क्यू की संगत भुजाएं क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है? सभी को क्लियर? कोई डाउट नहीं? नो डाउट। चलिए अब हम कह सकते हैं, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो शुरू से, यहाँ पर जो सभी साइड थी वो क्या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल दी गई है, यहाँ पर शुरू शुरू से आपने पढ़ लिया है। उसके बाद इसमें एक चीज़ आपने और भी पढ़ा, अभी नीचे अगर हम पढ़ें, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, ये भी यहाँ पर पढ़ा कि जो ए बी है वो पी क्यू और पी डी क्यू एम और ए डी पी एम के क्या है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल है ना। तो इसलिए अगर आपका ये ट्राइंगल क्या आपस में सिमिलर हैं, और फिर से यहाँ पर लास्ट में आकर के आपका ये कोण भी बराबर है, दोनों सिंपल सी बात है क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक है? आप लिख लीजिए, अतः एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सिमिलर टू एंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम
नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत। ठीक है, कैसे किस रूल से हुआ है? एस ए एस, कौन से रूल से बेटा? एस ए एस। मैं अभी थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ, आप लोग लिख लो इसको पहले तब, ठीक है, डिटेल में समझा देता हूँ कि यस ए एस का मतलब साइड एंगल साइड रूल से ये बराबर हुआ है। ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से सिंपल। देखिए इसमें कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा अगर कि यस ए एस कैसे लगा, तो देखो बेटा यहाँ पे यस ए एस इसलिए लगा क्योंकि जो आपका ये लास्ट में प्रोपोर्शनल हो रहा है दोनों साइड है ना, ए बी पी क्यू के और बी सी क्यू आर के, तो यहाँ से दो साइडें आपस में क्या हो जा रही, बराबर हो जा रही, समानुपाती, मतलब दोनों त्रिभुज की दो दो भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं और एक कोण भी बराबर मिल गया, यानी दो भुजा बराबर है एक कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं भाई यस यस ए तो होता नहीं कुछ, ए एस ए एस लगा है। ठीक है, समझ में आया? फिर भी कोई डाउट है तो बताइए, और हाँ वीडियो को दो बार देखिए, तीन बार देखिए, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है बच्चा, लिख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए नोट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने पी वी आर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया तुरंत सब्सक्राइब, ठीक है, फटाफट देर मत करिए, पूरा कंप्लीट कोर्स कम समय में पढ़ने के लिए आप पी वी आर स्टडी ऐप इंस्टॉल करिए, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, और कम समय में एक आपके लिए हम स्पेशल क्रैश कोर्स भी ला रहे हैं, नीचे व्हाट्सएप पे नंबर पे आप क्रैश कोर्स लिख के और अपना नाम क्लास और जिले का नाम आपको मिल जाएगा, एक कम्पैक्ट कोर्स बेहतर तरीके से बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक।